Good morning. Today we will discuss the second important essential of consideration, consideration may move from the promise or any other person, from the promise or any other person. Consideration will move from the promise or any other person. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रतिफल संविदा का मुख्य आवश्यक तत्व है, और जब तक संविदा में प्रतिफल नहीं रहेगा, संविदा अस्तित्व में नहीं आ सकता है। प्रतिफल क्या है, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं, और यह प्रतिफल जो है यह प्रस्तावकर्ता के द्वारा स्वीकृतकर्ता को दिया जाता है नियमता, और यह स्वीकृतकर्ता के अलावा अन्य व्यक्ति भी इसके तहत प्रतिफल को ग्रहण कर सकता है या प्रतिफल को देने के लिए वचन दे सकता है। मीन्स इन इंडियन लॉ कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम दी प्रॉमिसी टू स्ट्रेंजर, प्रतिफल को स्वीकृतकर्ता को देने के लिए निर्धारित किया जा सकता है, और स्वीकृतकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। इंग्लिश लॉ में नियम कुछ भिन्न है। कंसीडरेशन मस्ट मूव बाय द प्रोमिसर टू द प्रोमिसी ओनली। प्रतिफल जो है वह प्रस्तावकर्ता के द्वारा स्वीकृतकर्ता को ही दे होगा, और स्वीकृतकर्ता ही जिम्मेदार होगा, और स्वीकृतकर्ता ही प्रतिफल देने के लिए विधिता अधिकृत होगा। ऐसा इंग्लिश लॉ में है, लेकिन हम इंडियन लॉ पर केंद्रित करेंगे, क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट में क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, इसकी भी जानकारी होना हमें जरूरी है। टू सम एक्सटेंट द इंडियन पोजीशन इज लिबरल, मीन्स कॉन्सिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इट मीन्स इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी एज वेल एज टू द स्ट्रेंजर। प्रतिफल स्ट्रेंजर को भी दिया जा सकता है, स्ट्रेंजर के द्वारा भी दिलवाया जा सकता है। जैसा कि प्रतिफल क्या है हम सभी जानते हैं, ए बी को कहता है कि मैं अपनी साइकिल आपको 2000 रुपए में बेचना चाहता हूं। बी कहता है यस, लेकिन बी ए से इस बात की सहमति ले लेता है कि यदि मैं 2000 रुपया नहीं दे पाता हूं तो आप ये पैसा सी से क्लेम कर सकते हैं, सी से क्लेम कर सकते हैं। तो वहां पर प्रोमिसर्स का कंसेंट, प्रोमिसर्स प्रस्तावकर्ता की सम्मति लेना जरूरी है। जो लेना जरूरी है, क्योंकि प्रस्तावकर्ता ही तय करेगा, प्रस्तावकर्ता ही निर्धारित करेगा कि
एक अनजान व्यक्ति क्या प्रतिफल देने के लिए बाध्य होगा या इन अगेंस्ट ऑफ दैट स्ट्रेंजर वेदर अ सूट कैन बी फाइल्ड फॉर द रिकवरी ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द कंसिडरेशन। क्या एक अनजान व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जा सकता है प्रतिफल को प्राप्त करने हेतु प्रतिफल को अदा करने हेतु। इस पर भारत या इंडियन कंटेस्ट का जो विचार है इंडियन लॉ है जो है वो बहुत ही स्पष्ट है। इंडियन लॉ आई हैव स्टेटेड एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ माय लेक्चर दैट इंडियन कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग द मैटर ऑफ कंसिडरेशन मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और टू एनी अदर पर्सन। इन दिस मैटर इंडियन लॉ इज टू सम एक्सटेंट लिबरल फ्लेक्सिबल। इंडियन लॉ परमिट्स दैट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और स्ट्रेंजर ऑल्सो मीन्स स्ट्रेंजर कैन ऑल्सो पे द कंसिडरेशन एंड इन अगेंस्ट ऑफ द कंसिडरेशन इन अगेंस्ट ऑफ द स्ट्रेंजर ऑन द मैटर ऑफ कंसिडरेशन सूट कैन बी फाइल फॉर द रिकवरी ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की अदायगी हेतु उस पर वाद दायर किया जा सकता है वाद संचालित किया जा सकता है एंड कंसिडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट इज परमिसेबल एंड कंसिडरेशन बाई द स्ट्रेंजर इज ऑल्सो परमिसेबल। दैट्स वाई इसीलिए हम कह सकते हैं प्रतिफल जो है वो भारतीय विधि के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो यह प्रस्ताव कर्ता के द्वारा स्वीकृत कर्ता को या इसके अलावा किसी अनजान व्यक्ति को भी केंद्रित करते हुए संविदा दी जा सकती है की जा सकती है। जैसे ए ने कहा जिसे मेरी साइकिल में आपको 2000 रुपए में बेचना चाहता हूं बी यहां पर ऐसा करता है लेकिन साथ ही साथ विद कंसल्टेशन ऑफ ए की सम्मति से भी कहता है यदि मैं पैसा नहीं दे पाता हूं तो सी से आप पैसा ले लीजिएगा प्रतिफल के रूप में। इस स्थिति में ए सी से पैसा प्राप्त कर सकता है प्रतिफल के रूप में। और दो केसेस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला केस है डटर वर्सेस पूल। डटर वर्सेस पूल डटर वर्सेस डटर वर्सेस पूल देयर वॉज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेड इन बिटवीन द फादर एंड सन and father was ready to cut the timbers for the purpose of his daughter's marriage and the son came and did a contract with his father that if he will not cut the timber
of the state of the premises of my premises I will pay $1,000 but the son didn't pay the consideration to his father and the father filed a suit against of his son for the breach of contract and the court has decided that the son as a stranger is not entitled to give the consideration as per the English law. In English law आंग्ल विधि के अंतर्गत कोई भी अनजान व्यक्ति प्रतिफल को ना ही प्राप्त कर सकता है और ना ही वह संविदा का हिस्सेदार हो सकता है, न उसके ऊपर मुकदमा दायर किया जा सकता है और न ही कोई किसी प्रकार का उसके ऊपर वाद संचालित किया जा सकता है। लेकिन आगे जाकर दूसरे केस में इस विषय को भारतीय विधि ट्विंडल वर्सेस एटकिंसन 1881 इसमें कहा गया इन दिस केस द रूलिंग ऑफ Dutton was overruled and stated that a stranger is also entitled to be the part of a contract. एक अनजान व्यक्ति एक a third person can also be the part of a consideration and if The consideration has been specified, has been fixed with the consultation of the promiser. Then on that case, the stranger or the third person shall bound to pay the consideration. यदि प्रस्ताव करता की सम्मति से उसकी रजामंदी से यदि कोई अनजान व्यक्ति कोई तीसरा व्यक्ति प्रतिफल को लेन और देन करने को लेकर रजामंद होता है लेकिन प्रस्तावकर्ता की उसमें रजामंदी है इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा तो वहां पर वह तीसरा व्यक्ति वह स्ट्रेंजर शैल ऑल्सो बी इंटाइटेड टू गिव द कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट बट थिंग इज वेरी क्लियर यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि प्रस्तावकर्ता की इच्छा प्रस्तावकर्ता की रजामंदी प्रस्तावकर्ता का आशय प्रस्तावकर्ता की मनाइच्छा यह इस बात पे स्पष्ट होना चाहिए कि प्रस्तावकर्ता इस विषय को जानता है कि आपने एक अनजान व्यक्ति से संविदा करने के लिए प्रतिफल संबंधित संविदा किया है तीसरा व्यक्ति या अनजान व्यक्ति प्रतिफल किया है ऐसी स्थिति में वह अनजान व्यक्ति व तीसरा व्यक्ति भी संविदा में समान रूप से हिस्सेदार होगा समान रूप से भागीदार होगा और ऐसी संविदा वैध संविदा मानी जाएगी लेकिन इस चीज का विशेष और ध्यान रखिएगा यहां पर प्रस्तावकर्ता की इच्छा की बात है अगर संविदा किसी अनजान व्यक्ति के रजामंदी से सम्मति से मना स्थिति से आशय से इच्छा से यदि संविदा बनता है तीसरे व्यक्ति थर्ड पार्टी के इंटेंशन से आशय से सम्मति से संविदा बनता है तो उस स्थिति में ऐसे प्रतिफल ऐसी संविदाएं शून्य मानी जाएंगी मतलब प्रस्तावकर्ता की इच्छा पर तीसरा व्यक्ति प्रतिफल का हिस्सेदार हो सकता है
प्रतिफल के लेन देन संबंधित विषय में भागीदार हो सकता है, लेकिन तीसरा व्यक्ति थर्ड पार्टी और द स्ट्रेंजर अनजान व्यक्ति के आशय से या उसके द्वारा संविदा कोई भी अस्तित्व में नहीं आ सकता है। प्रस्तावकर्ता की सहभागिता सर्वोच्च रहेगी, सदैव ऊपर रहेगी और उसकी रजामंदी से ही संविदा अस्तित्व में आना चाहिए। और जब प्रस्तावकर्ता की रजामंदी से संविदा अस्तित्व में आएगा तो वह संविदा वैध माना जाएगा, वह संविदा वैध माना जाएगा। तो ठीक है, तीसरे व्यक्ति को आप भाग हिस्सेदार बना लो, उसको पार्ट उसको कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का हिस्सा बना लो, लेकिन प्रस्तावकर्ता की रजामंदी से। लेकिन जहां पर थर्ड पार्टी की रजामंदी से, किसी अनजान व्यक्ति की रजामंदी से सारे विषय को निर्धारित किया जाएगा, प्रतिफल भी निश्चित किया जाएगा, तो उस क्षेत्र में वह संविदा अवैध, वह संविदा शून्य संविदा मानी जाएगी। मीन्स द सुपीरियरिटी पोजिशन शैल ऑलवेज दी प्रोविजन इन सिस्टम्स ऑफ केसेस। तो पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपका है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने सुना होगा प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इसी तरह नहीं है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी PRIVITY, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या? इट इज रूल ऑफ लॉ, इट इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी शैल बी एंटाइटल्ड टू गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन बिहाफ ऑफ ए, ऑन बिहाफ ऑफ बी, ऑन बिहाफ ऑफ टू पार्टीज। नो अदर पर्सन शैल मूव टूवर्ड्स द कोर्ट एंड इफ अदर पर्सन means those who are not the party in the contract wants to go in court, files the suit in a court, that very case, that very suit shall not be valid suit। कहने का अर्थ यह है कि संविदा में वाद सिर्फ संविदा के पक्षकार ही लाएंगे, संविदा के पक्षकार ही वाद लाएंगे। मेरे कहने का अर्थ है यदि किसी संविदा में कोई विवाद उत्पन्न होता है, जैसे एक संविदा हुआ है योर बी ने एक कहता है मैं अपनी कार आपको 20,000 रुपये में भेजना चाहता हूं, और बी कहता है यस, एक 20,000 रुपये में दे देता है लेकिन बी कार नहीं देता है, तो यहां विवाद उत्पन्न होता है। संविदा हो गया, धारा 10 के सारे नियमों को फुलफिल किया गया, संविदा सिद्ध में आ गया, वाद जब विवाद उत्पन्न होगा तो वाद कौन लाएगा? ए, या तो ए वाद लाएगा बी के विरुद्ध, बी के विरुद्ध, या बी वाद लाएगा ए के विरुद्ध। मतलब जो मुकदमा होगा ए के द्वारा बी पर होगा या बी के द्वारा ए पर होगा। यहां कोई तीसरा व्यक्ति सी डी ई किसी के एवज में, किसी की गैर मौजूदगी में किसी का पक्ष रखने हेतु यदि मुकदमा लाता है संविदा भंग का कोर्ट में, तो वह संविदा भंग का मुकदमा बात वैध नहीं माना जाएगा, कोर्ट के द्वारा इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो हमें सदैव इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि संविदा के पक्षकार ही मुकदमा एक दूसरे के विरुद्ध दायर कर सकते हैं या संविदा भंग का मुकदमा दायर कर सकते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। द सिंपल फॉर्मूला, द सिंपल कंसेप्ट ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज
नो स्ट्रेंजर नो थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ ए एंड बी नो अदर पर्सन शैल फाइल ए सूट अगेंस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मीन्स इफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर ए एंड बी ओनली ए कैन फाइल ए सूट और बी कैन फाइल ए सूट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट On behalf of A, on behalf of B, third party, C, D, E, F, anyone cannot file a suit. If anyone will try to file a suit, that very suit shall not be entertained by the court of law and no justice shall be granted by the court of law. One thing is very clear. कोई भी न्याय प्रदान नहीं किया जाएगा यदि संविदा के पक्षकार के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति जाके वाद दायर करता है. इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, संविदा के पक्षकार ही संविदा भंग का मुकदमा एक दूसरे के विरुद्ध ला सकते हैं. आगे इस चैप्टर अभी तक का और जो इसके बाद का जो टॉपिक होगा मेरा नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रतिफल नहीं कोई संविदा नहीं. मीन्स वी विल डिस्कस द एक्सेप्शंस ऑफ कंसीडरेशन, एक्सेप्शंस ऑफ वन जी एक्सेप्शंस ऑफ कंसीडरेशन प्रतिफल के द्वार बिना अर्थात प्रतिफल के अपवाद की प्रतिफल के अपवाद मीन्स बिना प्रतिफल के कब और किन किन परिस्थितियों में संविदा अस्तित्व में आ सकता है. थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे. आई होप सो दैट यू ऑल आर लिसनिंग द वीडियो सिंसियरली. थैंक यू वेरी मच.